बजे हम पहुंच चुके हैं जंगल देवघर। मैं और मेरी मासी नगर भ्रमण में आए महाकाल की सवारी देखने के लिए। तो मेरे मायके से निकलने वाली है महाकाल की सवारी, तो बस उसी को देखने के लिए अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो के साथ। सवारी देखने के बाद मेरी मम्मी और मासी सोचते हैं कि चलो घर जा रहे हैं तो सब्जियां खरीदते जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और मासी की सब्जियों की हो रही है ख़रीदारी। काफ़ी मोल भाव करने के बाद जो है मेरी मम्मी मासी सब्जियां खरीदती है। वैसे तो हमारे मायके में काफ़ी ताज़ी सब्जियां मिलती है, आसपास के गाँव के जो रहते हैं वो यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। तो बस वही सब्जियाँ जो है मेरी मासी यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है। हमारे इंदौर के मुकाबले रतलाम में जो है सब्जियों का भाव थोड़ा कम होता है और सब्जियाँ भी काफ़ी ताज़ी मिलती है। तो बस वही सब्जियों की खरीदारी मेरी मम्मी और मासी कर रहे हैं। काफ़ी मोल भाव करने के बाद तो सब्जियों की खरीदारी हो चुकी है और अब हम पहुँचने वाले हैं घर। और घर पहुँचते ही हमें
तो एक तरफ हमारे भाभी जो है गुलाब जामुन बना रहे, दूसरी यहाँ पर कढ़ाई में जो है गुलाब जामुन की सिकाई हो रही है। तीसरी यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी बन रही है, और यहाँ पर आप देखिए चाशनी बन कर तैयार हो चुकी है जिसमें गुलाब जामुन डुबो रखे हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारे भाभी जो है यहाँ पर गुलाब जामुन बना रहे हैं, और इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर गुलाब जामुन बनते हैं। तो जो मावा है ना, मेरे मायके में काफ़ी ताज़ा मावा मिलता है और काफ़ी फेमस मावा है, रतलाम का जो मावा है काफ़ी फेमस मावा होता है। तो उसके जो गुलाब जामुन है ना, वैसे काफ़ी अच्छे और काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो एक तरफ मैगी भी बनाए रही हूँ ताकि बच्चे मांग रहे हैं, और यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं जो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी बढ़िया बने हैं। तो वैसे भी मैंने टेस्ट कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन यहाँ पर बने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।